मनीषा रानी आखिरकार क्यों हुई है खफा? क्यों आज सुबह से वो एल्विश, आशिका और फुकरा से दूरी बनाए हुए हैं? क्या हुआ था ऐसा कि कल रात को भी वो रोती नजर आई थी और आज सुबह से उसने इन तीनों में से किसी से बात तक नहीं की? क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां एक तरफ कल रात को फूट फूट कर रोती नजर आई है मनीषा, वहीं आज सुबह वो फुकरा, एल्विश और आशिका के साथ बैठी हुई नहीं थी। एक बात है कि वीकेंड का वार में उस पर जिस तरीके से उंगलियां उठी हैं, वीकेंड का वार में ये बताने की कोशिश की गई कि वो सब कुछ गेम के लिए कर रही है, उसके बाद टूट चुकी है अब मनीषा रानी। कल रात को वो रोते हुए भी नजर आई है और इसी बात का जिक्र पूजा भट्ट भी अविनाश के साथ सुबह सुबह कर रही थी और कहती नजर आई कि ये तो रात को रो रही थी, इसको लगता है कि ये सब कुछ सही कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें इसकी पहले से ही मुझे ड्रामा लग रही थी। तो जैड ने भी कहा कि हाँ, मैं भी जो है बोल तो रहा था उसे कि सारी चीज़ें अब रटी रटाई लग रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब मनीषा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है? उसको लगता है कि उसको अब सिर्फ और सिर्फ एल्विश और फुकरा से जोड़कर ही देखा जा रहा है और इसीलिए अब वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने के लिए एक नया गेम शुरू करेंगी। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रोज़ सुबह जो है ये तीनों आपस में साथ बैठे हुए कई बार नज़र आते हैं, लेकिन आज जो है मनीषा अकेले ही बैठकर ना सिर्फ कॉफ़ी पी रही थी बल्कि अभी तक इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हुई भी नज़र नहीं आई है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।